हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं एक और फ़ोन का रिव्यू, जो कि अगेन बजट सेगमेंट में है। तो आज मेरे पास जो फ़ोन है वो है नार्जो का, नार्जो 70X। तो नार्जो ने कुछ 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं जो नार्जो 70 में आते हैं। तो नार्जो 70, नार्जो 70 प्रो एंड नार्जो 70X। तो ये जो मॉडल है ये सबसे बजट वाला मॉडल है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 12,000 एंड 15,000। तो ये जो वेरिएंट मैंने लिया है ये है 8GB एंड 128GB। तो इसके बॉक्स कंटेंट जो है, बॉक्स में आपको मिलता है एक केस एंड फोन, और उसके साथ साथ 45 वाट का चार्जर मिलता है और टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलती है। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। और इसका जो प्रोसेसर है मीडिया 6100 प्लस है। तो ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये है ब्लू कलर, और इसकी जो डिज़ाइन है वो देखने में तो काफ़ी प्रीमियम लगता है, बट ये जो फ़ोन है ये बजट सेगमेंट में आता है। तो इसकी जो पीछे आप देख सकते हैं इतना बड़ा कैमरा कटआउट बना है। ऑब्वियसली इतना बड़ा कैमरा कटआउट है, बट इसमें जो कैमरा से बस 2 है। तो पीछे आपके 2 रियर कैमरा मिलते हैं, फ्रंट में आपको एक सेल्फी कैमरा मिलता है। तो हम धीरे धीरे इस वीडियो में आगे इस फ़ोन के बारे में और जानेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। तो जैसा कि बॉक्स पे आप देख सकते हैं ये 5G फ़ोन है। तो 5G का 6100 प्लस मीडिया डायमेंसिटी का ये चिपसेट है। फिर आपको 120 हर्ट्ज़ की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 45 वाट का चार्जर मिलता है और 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो चलिए एक एक करके इस बॉक्स फ़ोन के अंदर बढ़ते हैं। फ़ोन मैंने ऑलरेडी कॉन्फिगर कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। उसके साथ साथ पीछे आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का मेन कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा है और एक फ्लैश लाइट है, और ये कुछ नहीं डमी है। तो ये जो दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, बट ये पॉलीकार्बोनेट है, ग्लास नहीं है। जैसा कि मैंने पिछला फ़ोन जो रिव्यू किया था वो बजट सेगमेंट का था, रेडमी का 13 5G, बट उसमें आपको ग्लास बैक मिल रही थी, इसमें आपको ग्लास बैक नहीं मिलती है। ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, लेकिन इन हैंड फील्ड काफ़ी अच्छा है इसका। प्लस इसमें आपको जो बैटरी है वो 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। तो चलिए इसके अंदर फ़ोन में देखते हैं हम क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट की स्क्रीन है। तो जो आपको स्क्रीन मिल रही है वो LCD 120 हर्ट्ज़ की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है आपको। तो इसमें आपको 1080 पूरा सपोर्ट करता है। तो बाकी इसमें कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो ब्लोटवेयर के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन वो आप इसको इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो इसमें आपको अबाउट में जाके देखते हैं कि इसमें जो आपको ये मिल रहा है वो कौन सा है। एंड्रॉयड 14 मिलता है आपको पहली बात तो, और इसमें आपको रैम जो है वो आप बढ़ा सकते हैं 8GB, और रैम एक्सपांशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। फिर ये है Realme UI 5.0 पे चल रहा है, और जो Android वर्जन है वो 14 है। तो इसमें आपको 2 Android का अपडेट मिलेगा और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, ऐसा नार्जो ने कहा है। और जैसा कि नार्जो Realme के अंदर आता है तो Realme UI है इसके अंदर। बाकी फीचर्स रिफ्रेश रेट हम चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश रेट में यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये ऑटो सेलेक्ट पे है, बट इसे आप स्टैंडर्ड और हाई पे फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा ऑटो सेलेक्ट मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ये और जो रिफ्रेश रेट है वो चेंज करते रहेगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग कैमरा की तरफ। तो कैमरा इंटरफेस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो मोड मिल जाता है आपको, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, फिर वीडियो मोड मिल जाता है। वीडियो में आपको 1080 30 FPS का सपोर्ट है। फिर एक स्ट्रीट करके ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आपको लेंस का ऑप्शन है 26mm और 52mm। तो ये कुछ जूम का ऑप्शन मिल रहा है आपको। फिर एक डेडिकेटेड नाइट मोड है। इसके साथ साथ इसमें एक और फीचर है जो है ड्यूल व्यू का। तो अगर जो यूज़र्स ब्लॉक करते हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 ऑप्शंस आपको कैमरा में मिल जाते हैं। तो ये रहा इसका कैमरा इंटरफेस।
और फ्रंट में जैसा कि सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, तो इसकी क्लैरिटी आप देख सकते हैं, कुछ इतनी खास नहीं लग रही, बजट के हिसाब से फिलहाल ठीक ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैमरा में मिल रही है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं इतने सारे एप्लीकेशंस ओपन है हमारे, तो ट्रांजिशन भी स्मूथ है, फिर हैप्टिक फीडबैक भी इसका फिलहाल ठीक ठाक है, डिसेंट है, जैसा कि हम जैसा मैं फील कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम अप एंड डाउन करने में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इसमें एक गेम है वो मैं हम स्टार्ट करके देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। तो BGMI करके एक गेम है, तो BGMI को स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो ये गेम इंजन टर्न ऑन हो गया है, तो इसमें एक फीचर है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको सेटिंग्स मिल रहे हैं, स्टाइल्स मिल रहे हैं, फिलहाल ये हाई पे सेट है और HD पे सेट है। तो यहाँ पे आपको स्मूथ, बैलेंस्ड, HDR, अल्ट्रा HDR, एक्सट्रीम HDR का भी ऑप्शन है, बट फिलहाल ये हम हाई सेटिंग्स पे इसको सेट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट, तो एक मैच करके देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फिलहाल फास्ट लग रही है मुझे, बट फिर भी स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है गेम को। तो यहाँ पे ये गेम आप देख सकते हैं, फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा लैग नहीं लग रहा है एंड इजीली मैं खेल सकता हूँ, और ऐसा लैग मुझे लग नहीं रहा है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस फिलहाल ठीक लग रहा है मुझे, एंड जैसा कि मैंने बताया आपको सेटिंग्स में हाई पे चल रहा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बताया कि ये बजट फ़ोन है, तो बजट सेगमेंट के हिसाब से इसकी प्राइसिंग भी वैसी रखी गई है। लेकिन मैं कंपेयर करूँ अगर Redmi 13 5G जो मैंने अनबॉक्सिंग की है, उसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप ज़रूर से चेक कीजिए, उसके कंपैरिजन में ये फ़ोन भी फिलहाल काम कर रहा है अच्छे से। लेकिन उसका लुक एंड कंपेयर करें तो इसका भी लुक बढ़िया ही है। फिलहाल जो कैमरास है वो कितने यूज़फुल है, वो आप कैमरा जब आप फोटोज़ खींचेंगे तो आपको पता चलेगा। और उसमें जो सेल्फी कैमरा है वो भी एक 16 मेगापिक्सल का है, इसमें 8 मेगापिक्सल का है, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस मुझे लगे। लेकिन बजट के हिसाब से 8GB का जो प्राइस है इन्होंने 15,000 रखा है, वो मे बी ऑफर या सेल रहेगा तो और भी कम हो सकता है। तो एक बजट सेगमेंट का फ़ोन है, और जो लोग नार्जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, जैसे कि रियलमी के अंडर आता है, तो नार्जो जो फ़ोन है उनका काफ़ी बिकता भी है बजट सेगमेंट में, और ये रेडमी और MI और वीवो के जितने बजट सेगमेंट हैं उनको काफ़ी टक्कर भी देता है। तो मैंने जहाँ तक इस फ़ोन को यूज़ किया, कॉलिंग एंड एवरीथिंग, बाकी सब कुछ मुझे अच्छा लगा। तो पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक सिम कार्ड का स्लॉट मिलता है, फिर ऊपर एक नॉइज़ कैंसलेशन माइक है, उसके साथ साथ नीचे आपको हेडफोन जैक मिल रहा है। तो इस फ़ोन में आपको हेडफोन जैक मिल रहा है सरप्राइजिंगली, फिर टाइप सी है, माइक है और स्पीकर है। तो कुछ हम टेस्ट करके देखते हैं, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, तो स्पीकर भी टेस्ट हो जाएगा। तो इसमें ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, तो मैक्सिमम आउटपुट आपको नीचे वाले स्पीकर से मिल रहा है, और जो ऊपर वाला स्पीकर है उससे थोड़ी कम आउटपुट आ रही है, बट ड्यूल स्पीकर है इसमें, तो वो एक अच्छी बात है। तो ये हो गई पोर्ट्स और बटन की बात, और आपको इस साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है एंड लॉक अनलॉक का बटन है। सो इसमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक, बाकी सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से बजट के सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसी तरीके के अनबॉक्सिंग और फ़ोन के रिव्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।